जैसे आपको यहाँ पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना फाइव ए प्लस सिक्स बी होल स्क्वायर तो इस फॉर्म में क्वेश्चन दिए होंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड एक ब्रैकेट में ए प्लस बी अनदर में ए माइनस बी तो ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे इन्हीं को हमें सॉल्व करना है इसी को बोलते हैं बोलतेशन ऑफ स्क्वायर अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब ये वाला फार्मूला बनता कैसे है तो ए प्लस बी को ए प्लस बी से ही जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा फाइनल आंसर वो होगा ये फॉर्मूला सिमिलरली ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बना तो ए माइनस बी को ए माइनस बी से ही जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वो होगा ये फॉर्मूला दे प्लस बी ए माइनस बी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा A square minus B square. तो ये है इन फॉर्मूले को आपको याद करना है लर्न करना है एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला क्वेश्चन ना अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है फाइव ए प्लस सिक्स बी होल स्क्वायर अब बच्चों फॉर्मूला तो है यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अब आप लोग देखोगे कि फॉर्मूले में ए प्लस बी लिखा है बट क्वेश्चन में फाइव ए प्लस सिक्स बी भी लिखा है तो ए क्या है और बी क्या है तो यहाँ पे बच्चों ये जो प्लस वाला साइन है इस प्लस वाले साइन के पहले जो कुछ भी लिखा है वो क्या है ए है जो कुछ भी लिखा है वो क्या है ए है और प्लस वाले साइन के बाद में जो भी लिखा है वो क्या है बी है तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये लिखने से आपका एक और फायदा है कि आपको एग्जाम में हाफ मार्क्स मिलेगा जब आप जैसे जितना भी फॉर्मूला आप लिखोगे वहाँ पे हाफ मार्क्स मिलता है तो ये आपके लिए बेनिफिट है फॉर्मूला लिखना फिर इसके बाद हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर हि देखो ए क्या है यहाँ पे फाइव ए है तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू फाइव ए एंड बी इज इक्वल टू सिक्स बी ठीक है अब इसके बाद हम फिर से लिखेंगे क्वेश्चन फाइव ए प्लस सिक्स बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर लिखा है फॉर्मूले में और ए है क्या फाइव ए है तो हम लिखेंगे फाइव ए होल स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूले में ए है और ए एक्चुअली में क्या है फाइव ए है तो फाइव ए लिखो मल्टीप्लाई बाय बी और बी एक्चुअली में है सिक्स बी सिक्स तो बी लिख दो प्लस बी B B है सिक्स बी सिक्स बी होल स्क्वायर अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 A होल होल स्क्वायर है ना आप लोगों ने इंडेक्स चैप्टर पढ़ा होगा देखो टू इसका मतलब क्या होता है ए रेस टू एम बी रेस टू एम मतलब जो पावर है एम वो दोनों को मिलता है ए को भी बी को भी वैसे यहाँ पे फाइव ए स्क्वायर करेंगे तो फाइव का भी स्क्वायर होगा ए का भी स्क्वायर होगा तो फाइव का स्क्वायर होगा ट्वेंटी फाइव ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 a मल्टीप्लाई बाय 6 b क्या होगा देखो 2 5 है 10 10 6 है 60 और a और b एज इट इज आ जाएंगे मल्टिप्लिकेशन में प्लस 6 b होल स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर होगा 36 b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर so therefore लास्ट में हम लिखेंगे 5 a प्लस 6 b होल स्क्वायर is equal to 25 a स्क्वायर प्लस 60 a b प्लस 36 b स्क्वायर तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके ठीक है चलो सेकंड देखते हैं सेकंड है ए अपॉन टू प्लस बी अपॉन थ्री होल स्क्वायर ए अपॉन टू प्लस बी अपॉन थ्री होल स्क्वायर तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले फार्मूला फार्मूला होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फिर हम लिखेंगे हियर ए क्या है प्लस साइन के पहले जो भी लिखा है वो पूरा ए है तो देर फोर ए क्या है ए अपॉन टू एंड बी यहाँ पर क्या है बी अपॉन टू ठीक है नाउ इसके बाद हम यहाँ पे बच्चों लिखेंगे अगेन क्वेश्चन ए अपॉन टू प्लस बी अपॉन थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूले में क्या है ए का स्क्वायर एक्चुअली में तो तो यहाँ पे नाउ विच इज इक्वल टू अब ए अपॉइंट होल स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला इंडेक्स आप लोगों को याद होगा इंडेक्स वाला फॉर्मूला ए अपॉन बी होल रेस टू एम ए रेस टू एम अपॉन बी रेस टू एम तो पावर जो है वो ए को भी मिल गया बी को भी मिल गया तो ए का भी स्क्वायर होगा तो ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही, ही होगा और टू का स्क्वायर होता है फोर देन यहाँ पे बच्चों क्या होगा ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए बी अपॉन डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टू बचा है तो यहाँ टू लिखेंगे प्लस बी अपॉइंट टू होल स्क्वायर के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे बी का स्क्वायर करेंगे टू का भी स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर टू का स्क्वायर होगा फोर तो ये हो गया बच्चों सॉल्व तो देर फोर लास्ट में हम लिखेंगे ए अपॉन टू प्लस बी अपॉन थ्री स्क्वा स्क्वायर सॉरी ए स्क्वा बी अपॉन टू प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर एंड इसको हम बना देंगे यहाँ पे बॉक्स ठीक है नाउ थर्ड क्वेश्चन चलो अब थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे टू पी माइनस थ्री क्यू होल स्क्वायर तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फिर हम लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू टू पी देखो माइनस साइन के पहले जो है वो ए है एंड बी इज इक्वल टू थ्री क्यू माइनस थ्री क्यू नहीं लिखना है क्योंकि फॉर्मूले में देखो माइनस दिया हुआ है इसलिए हम माइनस थ्री क्यों नहीं लिखेंगे अब यहाँ पे लिखेंगे टू पी टू पी माइनस थ्री क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है देखो ए स्क्वायर माइनस टू एस बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर मतलब सॉरी ए मतलब टू पी तो टू पी होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू मल्टीप्लाई बाई ए क्या है टू पी बी क्या है थ्री क्यू प्लस बी स्क्वायर है तो बी है क्या एक्चुअली में थ्री क्यू है थ्री क्यू होल स्क्वायर अब यहाँ पे तो आपको पता है ना ए मल्टीप्लाई बाई बी वाला फॉर्मूला ए बी होल फॉर्मूला कहा पर टू पी होल स्क् टू का भी स्क्वायर हो जाएगा फोर और पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस अब इसको सोल्व करेंगे 2, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे टू पी माइनस थ्री क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व पी क्यू प्लस नाइन क्यू स्क्वायर और यहाँ बना देंगे हम एक बॉक्स ठीक है चलो अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन मैंने लिख दिया फार्मूला भी लिख दिया ए एंड बी किसको लिख कंसिडर करेंगे वो भी लिख दिया ए क्या होगा माइनस के पहले वाला एक्स बी क्या होगा माइनस के बाद वाला टू अपॉन एक्स देन अगेन हम यहाँ लोग क्वेश्चन लिखेंगे एक्स माइनस टू अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू फार्मूले में है ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू ए है यहाँ पे एक्स बी है यहाँ पे टू अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर बी मतलब टू अपॉन एक्स होल स्क्वायर अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर तो हमारा आंसर हो जाएगा देयर फोर एक्स माइनस टू अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर ठीक है इसको हम बना देंगे बॉक्स नाउ सी द फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर अब फॉर्मूला मैंने लिख दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर का ए क्या होगा प्लस के पहले वाला ए एक्स और बी प्लस के बाद वाला बी बी वाई होगा सॉरी मैंने यहाँ पर भी बी एक्स से लिख दिया है बी वाई हो जाएगा अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे ए एक्स प्लस बीवाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे किसकी वैल्यू ए और बी की वैल्यूज को तो ए की वैल्यू क्या है ए एक्स है तो ए एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू मल्टीप्लाई बाय ए तो ए है ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी और बी है बी वाई प्लस बी स्क्वायर तो बी है बी वाई तो बी वाई स्क्वायर कर देंगे देन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए का भी स्क्वायर होगा एक्स का भी स्क्वायर होगा देन टू मल्टीप्लाई बाय ए बी एक्स वाई प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा वाई का स्क्वायर हो जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा हमें देयर फॉर ए एक्स प्लस बी वाई होल जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड इसको हम बना देंगे ऐसे ब्रैकेट नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है सेवन एम माइनस फोर होल स्क्वायर तो फॉर्मूला लिख देंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर का ए क्या हो जाएगा माइनस के पहले वाला सेवन एम बी हो जाएगा माइनस के बाद में जो लिखा है फोर अब सॉल्यूशन में हम यहाँ पे पहले फिर से क्वेश्चन लिख देंगे सेवन एम माइनस फोर होल स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे ए और बी की ए क्या है सेवन एम तो सेवन एम होल स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय ए क्या है सेवन एम बी है फोर प्लस बी का स्क्वायर मतलब फोर का स्क्वायर अब सेवन का भी स्क्वायर करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे सेवन का भी स्क्वायर होगा एम का भी स्क्वायर होगा सेवन का स्क्वायर होता है फोर्टी नाइन एम का स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस टू सेवन ज फोर्टीन फोर्टीन को फोर से मल्टीप्लाई करना फोर फोर सिक्सटीन वन कैरी, फोर वन जा फोर प्लस वन फाइव फिफ्टी सिक्स एम आ जाएगा यहाँ पे एम वेरिएबल दिया है तो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सो देअर फोर फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा सेवन एम माइनस फोर होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्टी नाइन एम स्क्वायर माइनस फिफ्टी सिक्स एम प्लस सिक्सटीन और इसको हम बना देंगे ऐसे बॉक्स नाउ सेवेंथ क्वेश्चन है एक्स प्लस तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा ये यह हम यहाँ पे लिख देंगे फिर ए हो जाएगा यहाँ पे एक्स एंड बी हो जाएगा वन पॉइंट टू फिर से क्वेश्चन लिखेंगे एक्स प्लस वन टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू में वैल्यूज पुट करेंगे ए की वैल्यू क्या है मतलब ए क्या है यहाँ पे एक्स है तो ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एज इट इज ए की जगह लिख दो एक्स बी की जगह पे वन पॉइंट टू प्लस बी स्क्वायर है तो वन पॉइंट टू होल स्क्वायर अब यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर एज इट इज ये टू और ये टू कैंसल सो रिमेनिंग क्या बचाए एक्स मल्टीप्लाई बाय वन तो एक्स मल्टीप्लाई बाय वन एक्स ही होता है प्लस वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर सो देअर फोर फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस वन अपॉइंट टू होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉइंट फोर और इसको हम बना देंगे ब्रैकेट ऐसे सॉरी बॉक्स बना देंगे सो दैट के आंसर हाईलाइट होगा यहाँ पे नाउ लास्ट एट्थ क्वेश्चन नाउ एट्थ क्वेश्चन है यहाँ पे ए माइनस वन अपॉइंट ए होल स्क्वायर तो माइनस दिया है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फिर हम लिखेंगे यहाँ पे हेयर ए हो जाएगा यहाँ पे ए एंड बी हो जाएगा यहाँ पे वन अपॉन ए इसके बाद फिर से हम यहाँ क्वेश्चन लिख देंगे ए माइनस वन अपॉन ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम ए का स्क्वायर मतलब ए ही है ना ए तो ए स्क्वायर ही आएगा माइनस टू मल्टीप्लाई बाय ए की जगह पे ए और बी की जगह पे वन अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर है तो वन अपॉन ए होल स्क्वायर लिखेंगे उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर एज इट इज माइनस टू मल्टीप्लाई बाई वन बिकम टू प्लस अब ये वन अपॉन ए होल स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा वन का भी स्क्वायर होगा ए का भी स्क्वायर होगा तो वन का स्क्वायर वन ए का स्क्वायर ए स्क्वायर सो so लास्ट में हमारा आंसर हो जाएगा मतलब ये जो मिला ये हमारा फाइनल आंसर ये बस हमें लास्ट में इसको बॉक्स में लिखना है इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर और ये हो गया एट्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व देखो स्टार्टिंग से मैं आपको शो करती हूँ स्टार्टिंग से हमने ये सॉल्व किया फर्स्ट क्वेश्चन देन ये सेकेंड देन ये थर्ड फिर ये फोर्थ ये वाला फिफ्थ देन ये इसके बाद सेवेंथ एंड देन ये एट नाउ इसके बाद के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू थ्री एंड फोर ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे आई होप कि आपको समझ में आया होगा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो